Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. चलिए अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं दावला. लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और अगर आप और वीडियोस हमारे देखना चाहते हैं जो कोने में आई बटन होता है आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं. चलिए हम जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अभी तक हम कौन सा अभी कर रहे थे, हम ए एन और द आर्टिकल्स का. वैसे तो हम समझते हैं कि ए एन और द ये तीन ही होते हैं और इनका डिफरेंस हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ए कॉन्सोनेंट के साथ आता है और एन वॉल के साथ आता है. ओके, और इनका जो नो यूज़ है वो भी हम अच्छे से कर चुके हैं. तो अब हम चलते हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल की तरफ, जो द होता है, क्योंकि कई जिसमें जैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं हमारे पास जी ओमिशन वाले आते हैं कि बिकॉज ज़ीरो आर्टिकल, तो हम कई बार पज़ल हो जाते हैं कि इसमें द आएगा या ना आएगा. हमें कुछ जो बेसिक्स जो शुरू शुरू के जो मीन्स होते हैं, आई मीन टू से जो बेसिक्स नियम होते हैं वो याद रह जाते हैं. तो हर आप रूल को थॉरली पढ़िए, बार बार रिवाइज करें तो वे दिमाग में बैठ जाते हैं. चलिए, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, जो द का ये हमें अच्छे से याद रहता है ये वाला रूल, और इट्स वेरी इजी क्योंकि इसमें जो है जो माउंटेन्स पर्वत श्रेणियां हैं उनका नाम के पहले होता है, जैसे हिमालय द गंगा, जो शुरू से ही ये थर्ड फोर्थ से शुरू हो जाता है ये वाला टॉपिक और ये हमें मोस्टली याद रहता है. लेकिन जो पीक्स ऑफ माउंटेन होती है उनके नाम के पहले हम द यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके पहले नाम का यूज़ करते हैं. लेकिन जो पीक होती है जिनकी टॉप मोस्ट जगह होती है, जैसे द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट का आपने नाम बहुत अच्छे से सुन रखा है, माउंट एवरेस्ट कहते हैं इसको, द माउंट आबू, माउंट आबू, नंदा देवी, धौलागिरी. और इसे ये टॉपिक बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम जीके भी पढ़ रहे हो, जीके से भी रिलेटेड है. हमें ये भी पता चलता है कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, माउंट फूजी, माउंट ओलंपियस. तो मतलब आप इसको इग्नोर ना करें, आप इनको पढ़ें ज़रूर, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम बाय हार्ट करते हैं वो हमें तब ही समझ आती है. लेकिन हमने अगर जस्ट ऐसे ही आलस में इसको देख लिया और तो हम कुछ दिन बाद इसको मतलब भुला बैठते हैं. तो आप इसको बाय हर्ट कीजिए. नेक्स्ट है द दा का यूज रिवर्स, ये भी बहुत इजी है, ये भी हम शुरू से ही पढ़ते हैं द गंगा, क्योंकि गंगा के नाम से हमें अच्छा याद रहता है. द गंगाज, द थेम्स, द नील, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द कृष्णा, कावेरी, द कोसी, द कांगो, अमेजन, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि ये इंडियन है और इसमें कुछ इंडियन है और कुछ फॉरन भी हैं, जैसे मिसिसिपी हो गया, अमेजॉन, हांग हो, इंडस नदी, दाजला, इराबड़ी, इस तरह से. तो ये जो जितने भी रिवर्स हैं इनके नेम के आगे हम दा का यूज़ करेंगे. द ताप्ती, द हुगली, द सतलुज और द देनाब या चिनाब भी कह सकते हैं इसको. हुगली नदी तो हमारी हिस्ट्री से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही हमारे देश में अंग्रेजों ने अपना जैसे प्रोफेशन शुरू किया था, इसके किनारे कारखाने वगैरह लगा करके. तो इस तरह भी आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं अपने टॉपिक से संबंधित. अब ओके, लेट अस सी दीज सेंटेंस इज, वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली, लंडन इज ऑन द थेम्स. तो इससे ये टॉपिक भी रिलेटेड आपकी अवेयरनेस से भी है कि ये हुगली कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, लंदन कहाँ है, थेम्स में, और इनके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगेगा रिवर्स के आगे. द गंगाज इज ए सेक्रेड रिवर, वेस्ट बंगाल इज ओन हुगली. तो ये इसके एरर हैं क्योंकि इसमें द को ओमिशन है, लंदन इज ओन थेम्स, गंगा इज ए सेक्रेड रिवर. लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं. जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का भी या सिटी का भी नाम जुड़ा हो तो उस पर उस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है. ये चीज़ हम भुला बैठते हैं कि बिल्कुल जो उसका ओमिशन जब हो जाता है कि ऑर्थोडॉक्स रूल क्या है वो क्या होता है. जैसे किंगस्टोन ऑन थेम्स,
किंगस्टोन ऑन द थेम्स। तो यहाँ पर ये शहर का नाम, एक नदी का नाम, जैसे न्यू कासल अपॉन टाइने, न्यू कासल अपॉन द स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, एवन का नाम आपने अच्छे से सुन रखा होगा क्योंकि दिस रिलेटेड टू शेक्सपियर। सो शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर की, लैंग्वेज की बिल्कुल सोल कही जा सकते हैं वो। सो रूल नंबर 3, डा का जो यूज़ है, जैसे सी, समुद्र, महासागरों, ओशियंस, खाड़ी, गल्फ हो गए, और या फिर उसके नाम से पहले तो जैसे महासागर हो गए, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये तो हम अपने नक्शे में अक्सर देखते हैं, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। तो ये पांच बड़े महासागर हैं और इनके नाम के पहले भी आप दा लगाएंगे। और सागर हो गए जैसे द रेड सी, द अरेबियन, द कैस्पियन, द ब्यूफोर्ट, द डेड सी, द मेडिटेरियन सी, द ब्लैक सी, द अजोब सी। तो मतलब जितने भी जो ये सागर हैं आप इनके नाम के आगे भी दा लगाएंगे। और खाड़ी होगी बे ऑफ बंगाल, हम बहुत अच्छे से सुनते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ गोयाना, या बे ऑफ मारावतन, मारतावन, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ चाइना, गल्फ ऑफ एस्टी लॉरेंस और पर्शियन गल्फ। सबसे ज़्यादा तो सुनने में, एक तो हमारी ये जो इंडियन का बे ऑफ बंगाल और पर्शियन गल्फ बहुत सुनने में आती है, या और गल्फ ऑफ मेक्सिको। लेकिन हडसन बे की खाड़ी के पहले द का, ये भी खाड़ी है लेकिन इसका ऑर्थोडॉक्स रूल है ये, आप याद रखिए कि जो हडसन की जो खाड़ी है उसके नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता है, ये खुद का अपना उनका स्टैंडर्ड है। ओके, रूल नंबर 4, दा का जो प्रयोग है वो द्वीपों के साथ, यानी ग्रुप ऑफ आइसलैंड के साथ, जैसे अंडेमान्स, निकोबार्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इन ईस्ट इंडीज, द लक्षद्वीप। तो इस तरह आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं कि जैसे सागर, समुद्र, नदियाँ, खाड़ी, इस तरह। लेकिन इसका जो एक कुछ खास द्वीप के पहले दा का यूज़ नहीं होता, क्योंकि कई रूल्स जो हैं वो अपोजिट्स भी होते हैं, जैसे द जावा, ये जावा, सुमात्रा, सिलोन और सिसली, इनके नेम के आगे दा नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 5। अब आते हैं कैनाल्स, जो नहरें होती हैं जो नदियों से निकाली जाती है सिंचाई के लिए, हवाई जहाज़ हो गए एरोप्लेन, समुद्री जहाज हो, शिप्स, रेलगाड़ी, ट्रेन्स के नाम से पहले होता है, जैसे द स्वेज नहर कैनाल सुने, द पनामा, द सू, द केपी कैनाल, द शारदा, द अल्बर्ट, द इरे कैनाल और मैनचेस्टर कैनाल। और हवाई जहाज़ों के नाम हो गए जैसे द मकालू, मेघदूत, कश्मीर प्रिंसेस, समुद्री हो गया विक्टोरिया, क्वीन मेरी, विक्रांत, टोरी कैनियन, ये देश विदेशों के दोनों के, जैसे विक्रांत हमारे देश का है। रेलगाड़ियों के नाम हो गए जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, तूफान, पवन, विक्रमशिला, पंजाब मेल, शरमजीवी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस। इस तरह आप इनके नाम से भी याद रख सकते हैं। नाउ रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, जो नेशनल नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे जो हमारी नेशनैलिटी को शो करते हैं, जैसे वी आर इंडियन, ओके, जैसे द इंडियंस हैं, हम लोग भारतीय हैं, द एशियंस, द चाइनीज, अमेरिकन्स, द इंग्लिश, द डच, द इटालियन, द रशियन, द नेपालीज, द जापानीज, द फ्रेंच, द पाकिस्तानीज, द यूरोपियंस। लेकिन नागरिकता का सूचक शब्द जो है काउंटेबल नाउन के रूप में होने में, अगर इफ़ वी नीड इट, क्योंकि इसमें ए एन का यूज़ भी हो सकता है, अगर इफ़ वी नीड इट, ज़रूरत के मुताबिक, जैसे अ चाइनीज, अ नेपालीज, यानी एक पर्सन की बात हो गई, या एन इराकी, एन इज़राइली, इस तरह से। और इसमें भी आप
वो देखिए, वॉवल और कॉन्सोनेंट, ये ट्रिक तो इसमें हमेशा चलेगी चलेगी आर्टिकल्स में। तो जैसे स्कॉट हो गया, डचमैन, ग्रीक, पोर्तगीज हो गया है, एबर्मीज, ब्राजीलियन, जर्मन, इपोल, इस तरह। और इसी तरह इसमें ये ए वाले मोस्टली वॉवल वाले हैं, तो इन सबके साथ एन का यूज़ होगा। अब नाउ वी मूव टू रूल नंबर 7। अब जैसे जितने भी हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब के नेम के आगे हम द यूज़ करेंगे। द गीता, द महाभारता, द कुरान, द पैराडाइज लॉस्ट। इट्स ए वेरी वेरी फेमस बुक ऑफ जॉन मिल्टन, और इससे मोस्टली कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द पुराणास, द रामायण, द बाइबल, द इलियड, इलियड भी बहुत फेमस बुक है, द उपनिषद, द ओडिसीज, ओडिसी भी। लेकिन जो धार्मिक ग्रंथों के पहले जो ऑथर का नाम अगर यूज होता है, जैसे जो इलियड है, दैट इज होमर्स इलियड, होमर्स इलियड, तो इसमें देखिए होमर द इलियड नहीं आएगा, द विदाउट द आएगा। और वाल्मीकि रामायण, द रामायण, लेकिन अगर सेपरेट आता है तो द यूज़ होता है, लेकिन अगर राइटर उनके नेम के आगे आते हैं तब द का यूज़ नहीं होगा। अब आते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। अब रूल नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रिलेटेड टू डायरेक्शंस एंड इट इज़ ऑल्सो अ रीजनिंग टॉपिक ऑल्सो। जब भी मोस्टली हम अपनी स्टडी को ऑल राउंड रिलेटेड करके करते हैं, तो हमें ये बहुत मज़ेदार लगती है और ये हमें इजीली समझ भी आती है। जैसे डायरेक्शंस का टॉपिक होता है, उसमें आप ये देखिए, दिस इज़ योर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मोस्टली आपको यही याद रखनी होती है। अब इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट सेम ही है, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, मीन्स दो नॉर्थ को यह कैरी करती हैं और दो साउथ को कैरी करती हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेम्बर। अब देखते हैं जितनी भी हमारी जो डायरेक्शंस हैं उनके साथ हम द का यूज़ कर रहे हैं। द डाउनवर्ड, द नॉर्थ ईस्ट, द अपवर्ड, द नॉर्थ, द वेस्ट, ये हम डायग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस सी दी सेंटेंसेस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सेंटेंसेस, और इसमें दो बार ही यूज़ होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन जब दिशाओं के नाम के साथ किसी विशेष स्थान का नाम होता है, जैसे उससे पहले द का यूज़ नहीं होता है। जैसे द वेस्ट बंगाल, ओनली वेस्ट बंगाल होता है, द नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये अक्सर सुनने में आते हैं जैसे कंट्रीज़ के जो नाम होते हैं, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ बिहार। और इसका जो सेकंड वन है वो क्या कहता है कि जो द ईस्ट है, जो अगर स्पेशल फॉर्म में हो, द वेस्ट का जैसे पूर्वी देश और पश्चिमी देशों के अर्थ में भी होता है, जैसे द ईस्ट, अगर इससे ये बात ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि जब द ईस्ट की बात हो रही है कि पूर्वी देशों की है, जो द वेस्ट, क्योंकि हम भी साउथ वेस्ट में ही आते हैं। द सर्टेन नेम में एडजेक्टिव ईस्ट, वेस्ट और नाउन का यूज़ हो तो इससे पहले द का यूज़ होता है। जैसे द नॉर्थ ऑफ द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, लेकिन द नॉर्थ, द साउथ पोल, द मिडल ईस्ट, बट द नॉर्थ ऑफ स्पेन, इस तरह से। और इसका फोर्थ पार्ट है, अब फोर्थ पार्ट में क्या है कि जो दिशा के जो नाम का जो प्रयोग होता है एडवर्ब के रूप में, तो उसमें दा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन एरिया का बोध होता है अगर, तब दा का यूज होता है। अगर जैसे गो नॉर्थ, विथ ही लिव्स इन द नॉर्थ। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है, दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज एरिया,
क्योंकि नॉर्थ कह रहा है वो सेकंड में, तो दैट इज शोज टू एरिया कि वो उत्तर की तरफ रहता है। सो जो ऊपर जो वाक्य है यानी जो फर्स्ट वर्ड है, ये इसकी डिटेल है सारे सेंटेंस की। तो इसमें क्या कहता है कि जो फर्स्ट नॉर्थ का जो एडवर्ब है, इसमें नॉर्थली डायरेक्शन के अर्थ में ये चीज़ हमने अभी अभी डिस्कस की है और इसीलिए द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन जो सेकंड वन है दैट इज शोज एन एरिया, बिकॉज ये क्या कह रहा है, द नॉर्थ यानी उत्तर में, उत्तर वाले एरिया में वो कहीं रहता होगा, तो इसलिए इसमें द का यूज़ किया गया है। मोस्टली बेसिकली हमें द कब यूज़ करना होता है, दैट द इज़ यूज फॉर स्पेशलिटी। सो रूल नंबर 9, द का जो यूज़ है मरुभूमि, मरुभूमि क्या होती है, जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, जैसे द सहारा, द थार, द कराकुरम, द सोमाली, द मुजाब, द गोबी, द अरेबियन, द कालाहारी, द काजीकुलम। और लेकिन कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जो अपोजिट्स बोल जाते हैं, द डेजर्ट ऑफ सहारा, द डेजर्ट ऑफ थार, द डेजर्ट ऑफ कालाहारी, इस तरह भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही फॉर्म में इसके साथ द का यूज़ होगा। नाउ वी मूव टू रूल नंबर 10। द का जो यूज़ है धार्मिक कोई कम्युनिटी है, संप्रदाय है, उससे पहले तो जैसे कम्युनिटीज पांच ही कही गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और पर्शियंस, में मोस्टली यही 6 धर्म माने जाते हैं, और सबके साथ, क्योंकि जो धर्म है दैट इज़ रिलेटेड टू स्पेशलिटी, तो हर धर्म अपने में अलग एक स्पेशल है, तो इसलिए सबके साथ दा का यूज़ होगा। सो रूल नंबर 11, इसमें क्या है, जो फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेस की गई है, यानी जैसे जो भौतिक स्थान सूचक शब्द हैं, जैसे एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम, ये मोस्टली हम यूज़ भी करते हैं, द बैक ऑफ, द इनसाइड ऑफ, ठीक है, ऑन द टॉप, एट द फ्रंट ऑफ, ये मीन्स ये जो वर्ड है ये फ्रेजेस के तौर पे भी यूज़ होते हैं, द सेंटर ऑफ, द आउटसाइड, लेकिन ऑन द टॉप और ऑन टॉप ऑफ का भी, लेकिन कई बार ऑन टॉप भी यूज़ होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। सो रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 में क्या है, जो दुनिया की जो अनूठी चीज़ें हैं दैट इज़ मेक बाय नेचर और गॉड ऑल्सो। सो इसमें अनूठी चीज़ों में क्या आता है, जैसे द सन, जितने भी जो आकाश में या मोस्टली जो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं स्काई से संबंधित, जैसे मून हो गया, अर्थ हो गई, स्टार्स, स्काई, इक्वेटर, द वर्ल्ड, यूनिवर्स, द पोल स्टार, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, द सी, द ओशियन, द एयर, या विंड, मीन्स सारे भी जितने भी एटमोस्फेयर और इन्वायरमेंट से संबंधित हैं, तो उन सबके साथ द आएगा, द वेदर आ गया, द स्मोक आ गया, द फोग, द सनशाइन, द टाउन, द रेन, द कंट्री, तो मीन्स इसमें सारा वर्ल्ड आ गया है, सारे वर्ड्स इसमें आ गए, दैट इज रिलेटेड टू स्पेशल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। सो रूल नंबर 13, अब रूल नंबर 13 में मीन्स जैसे जो गवर्नमेंट ब्रांचेज है, जो सरकार की अपनी शाखाएं हैं, या फिर कोई हमारी जो सशस्त्र सैनिक हैं, आर्म फोर्सेज हैं, जैसे द ज्यूडिशियरी, न्यायपालिका, द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, द लेजिस्लेचर, विधायिका, ये हमारी तीनों जो हैं ये न्याय चलाती हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखती हैं जो हमारे कंट्री एज वेल एज स्टेट्स में, और जैसे द नेवी है, द पुलिस है, द आर्मी है, ये देश की रक्षा करती हैं दोनों तीनों ही। सो इन ये भी स्पेशल फॉर्म में ही आती हैं, तो इन सब के साथ भी द का यूज़ होता है। सो रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 में जो हमारी जो ऐतिहासिक कोई भी हिस्ट्री से संबंधित, कोई साम्राज्य हो गया, कोई जाति, स्थान, वंश,
कोई घटना हो गई, कोई समय उसका जितना भी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है सबके साथ आएगा। जैसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं रोमन एम्पायर, गुप्त एम्पायर, कुषाण, मुगल, विजयनगर, शक, मीन्स जितने भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो सबके सब स्पेशल उसमें आते हैं कि जिन्होंने इतने समय तक राज्य किया है। फिर जातियाँ आ गई, निग्रो हो गए, एस्किमोज, पिगमीज, आर्यंस, द रेड इंडियन। इसी तरह जो हमारे फेमस प्लेस हैं जैसे द गांधी मेडन, पानीपत, द पिरामिड, द वाइट हाउस, पानीपत लड़ाइयों के लिए फेमस हैं, द काबा, द पेंटागॉन, द वाइट हाउस, इस तरह। और हमारे जो डायनेस्टीज़ हैं, जो फेमस डायनेस्टीज़ हैं जैसे द तुडो डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, मौर्या, चोल, यादव, पाल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, सोलंकी, परमार, चालुक्य डायनेस्टी। इसी तरह जो फेमस बिल्डिंग्स हैं जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, गोलघर, पंचमहल, रेड फोर्ट, पिरामिड, जामा मस्जिद। और हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गई आपकी जैसे बैटल ऑफ पानीपत हो गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंग्लिश रेवोल्यूशन। और ये तो इंग्लिश में बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और इंग्लिश रेवोल्यूशन और रेनेसांस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, द सिविल वॉर, चाइनीज़ रेवोल्यूशन, दस। वैसे तो रेवोल्यूशन सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन ग्रामेटिकल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेनेसां का जो पीरियड है इसमें लैंग्वेज में काफ़ी चेंज आया है। इंग्लिश में लिखने के फॉर्म में भी और बोलने के फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा अंतर आया है। सो इसलिए इस काल को, इस रेवोल्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर आती है ऐतिहासिक अवधि और पीरियड, जैसे द रेस्टोरेशन पीरियड, मिडल एजेस, ये लैंग्वेज से ही संबंधित हैं। ये रेनेसां आ गया, सॉरी, हाँ यस, रेनेसां हो गया, द रशियन, विक्टोरियन, प्री हिस्टोरिक, ये जो सारी की सारी एजेस है दैट इज रिलेटेड टू, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर का उद्भव हुआ है। फिर आता है रूल नंबर 15, इसमें राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में होती हैं वो स्पेशल होती हैं। सो द कांग्रेस पार्टी होगी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी होगी, कम्युनिस्ट, समता पार्टी होगी या डेमोक्रेटिक पार्टी होगी। सो जितनी भी जो पार्टीज़ हैं सबके साथ ही द आएगा। नाउ वी मूव टू आवर प्रैक्टिस सेट। अब हम अपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या रूल्स पढ़े हैं। सो आप जब भी आप नियम पढ़ते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, तब आप ये प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर कीजिए उसके साथ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है कि वो जो रूल्स हैं वो हमारे माइंड में स्टिक हो जाते हैं और उनको भूलने की संभावना कम रहती है। सो चलिए फिलअप्स करते हैं स्टार्ट। अगर निशास्त्री हैं, ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। और ये जो अम्ब्रेला वाला जो वर्ड है ये बहुत बार आ चुका है, क्योंकि इसमें जो है ये वर्ड वॉवल यूज़ हुआ है और जहाँ पर वॉवल यूज़ होता है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हम उसके साथ यूज़ करते हैं एन। सो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट फिलअप है इसके साथ आएगा एन, इसमें फर्स्ट वाले में। फिर आता है ये अभी अभी हमने पढ़ा था, दिस इज द नेम ऑफ द सेक्रेड रिवर, सेक्रेड रिवर यानी गंगा का नाम आया है। सो गंगा के नाम में यहाँ पर क्या आएगा, द फर्स्ट वाला हम कर चुके हैं, एन वाला यहाँ पर एन आएगा, फिर सेकंड वन द गंगा सेकंड में आएगा। चलो मैं इधर साइड में लिख देती हूँ, द गंगा इज अ, दोनों में द नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट फिलअप में द आएगा और द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ये फर्स्ट का है। फिर आता है द डैश फ्रेंच, सॉरी फ्रेंच डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश। सो दोनों ही स्पेशलिटी को दिखाते हैं, ये फ्रेंच
और ये तो इन दोनों के लिए ही द आएगा, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था। फिर आता है नेक्स्ट वन, विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर, ये रिवर्स वाला टॉपिक है। सो इसमें क्या फील आएगा, इसमें आएगा द। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है सारा टॉपिक्स। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ वन। अब ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश, कि जो ईमानदार आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज क्या करते हैं, स्पीक द ट्रुथ। फिर है रिस्तम वॉज डैश यंग पारसी, तो ये किसके किससे संबंधित है, एक जाति से, पर्शियन से, तो ए इसमें ए आएगा। शी रिटर्न्ड आफ्टर, ये मत समझिए कि ये द वाले ही हैं, ये मिक्स्ड हैं, इसमें ए एन और द रूल्स के अकॉर्डिंग लगेगा। शी रिटर्न्ड आफ्टर, फिर ये आ गया आर, इसमें आएगा एन, और नंबर एट पे आता है डैश सनशाइंस हेवनली बॉडीज हैं ये, द आएगा यहाँ पर, और अलाहाबाद डैश इज ए हॉली सिटी, तो अलाहाबाद क्या है, एक होली सिटी है, लेकिन एच है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा एन, सॉरी यहाँ पर ए आएगा, बिकॉज दिस इज एच, क्योंकि ओ से नहीं, ये होली बनेगा ना। अब आती है लैंग्वेज, संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज, जो संस्कृत है वो क्या है, एन, क्योंकि यहाँ पर ई आया है, सो दिस इज वाउल। सो आई होप आपको ये आर्टिकल वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आया, और आप इसको साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ इसको रिवाइज करिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।